मैंने गलत टाइम पे गलत रास्ता चुन लिया। ओहो ओहो ओहो, तो कहाँ से जाए भाई, कि जिसके साथ भी कोलैब आने वाला है। पर वो नहीं रुक रहे तो हमको रुक जाना चाहिए। हेलो नमस्ते गेम जो का सगा, स्वागत है आप सबका आज के मोटो ब्लॉग में। भाई साहब हड्डे इतने, भाई का बोलूँ मैं आपको। मैंने गलत टाइम पे गलत रास्ता चुन लिया ऐसा लगता है मुझे। अभी देखते आगे जाके, बिकॉज ये टाइम पे ये रास्ते में बहुत मतलब बहुत ट्रैफिक रहता है, लेकिन आज नसीब अच्छा है क्योंकि आज ट्रैफिक इतना नहीं है। और अभी पेट्रोल देखो यार, ऑलमोस्ट रिजर्व पे आने वाले हैं, तो अभी पेट्रोल पंप पे तो पहुंच ही जाएंगे हम लोग, अगर मैंने तमीज़ से चलाई तो। वैसे हम तमीज़ से ही चलाते लेकिन फिर भी। ओहो ओहो ओहो, सबको जाना है, हम भी जाएंगे। ये देखो बोला था ना, थोड़ा ट्रैफिक से दूर आ गए, लेकिन रुको ये शोर बहुत है यार। हो, गाड़ी वाले अंकल जाने दो, भाई साहब जाने दो, थोड़ा तो जगह दे दो। और यार इतनी बड़ी गाड़ी लेके आते अभी हम लोग कहाँ से जाए भाई। एक मुझे सोचा था कि ये गली पे थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन हाँ मिल गया सुकून ये। और गाइस आज हवा क्या आ रही है, मतलब बहुत सही हवा आ रही है, और आज ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, मतलब सही है। ऐसा वेदर हो थोड़ा प्लेजेंट जैसा, और शाम को तो अच्छा खासा प्लेजेंट हो जाता है, लास्ट दो दिन से तो हो ही रहा है, तो ऐसे वेदर में मज़ा आता है। अभी बहुत गर्मी हो जाती है, 40 डिग्रीज 38 डिग्रीज, तो भाई दोपहर में तो हालत ही ख़राब हो जाती है, ख़तरनाक। पहले मैंने सोचा कि आज दोपहर को जाता हूँ किधर, तो फिर मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया, बिकॉज़ दोपहर को धूप इतनी रहती है ना भाई, लू लग जाती है, फिर तबीयत तो ख़राब होना तो फिर जायज़ है। और मैंने आपको 3 ब्लॉक पहले बताया था कि कोलैब के रिलेटेड मैं हिंट दूंगा कि किसके साथ मैं करूंगा, तो वो फिर व्लॉग्स आते गए, वीडियोस आते गए, लेकिन मैं बताना ही भूल गया, मतलब हिंट देना ही मैं भूल गया, तो सॉरी उसके लिए। मेरे दिमाग से वो चीज़ निकल गई थी। हाँ अंकल थोड़ा शांति रखो जीवन में थोड़ा। हाँ तो वो चीज़ मेरे दिमाग से ही निकल गई थी कि भाई मुझे हिंट देना है, अभी जस्ट याद आया मुझे। तो अभी हिंट का तो ऐसा है ना कि ज़्यादा हिंट मैं नहीं दे सकूँगा, सिर्फ इतना बोल सकूँगा कि जिसके साथ भी कोलैब आने वाला है वो एक ब्लॉगर है, बस। और हिंट में क्या ही दूँ अभी, और हिंट और डीप में हिंट दूँगा तो भाई वो हिंट ही नहीं रहेगा, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पब्लिक बहुत होशियार है। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है, और थोड़े चंद समय के बाद थोड़ा ही टाइम बचा है बस, वो भाई थोड़ा भी काम में बिजी है, वो बस फ्री हो जाएंगे, उसके बाद उस भाई के साथ आएगा कोलैब, तो बहुत मज़े करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए भाई वीडियो को शेयर करो दोस्तों लोग को, फैमिली मेंबर्स को बताओ, बिकॉज हमारा कंटेंट एकदम फैमिली फ्रेंडली रहता है, ना ही कोई बकवास बातें, ना ही कुछ, एकदम फैमिली फ्रेंडली कंटेंट, एंड मत जाने लगे। अभी ये थोड़ा शोर शराबे से दूर हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी हॉर्न का आवाज़ तो इतना मिलेगा, और अभी रेसिंग चल होगी रिक्शा वालों की, ठीक है। अभी तो अच्छा है, वरना यहाँ पे 3-3 लेन बना दे, बताइए आपको इधर से घुसेंगे, और यहाँ से जो आते हैं ना, ये देखो हॉर्न मारते नहीं, ऐसे ही घुस जाते हैं डायरेक्ट, भाई अगले बंदे को कैसे पता चलेगा कि आप आ रहे हो। ऊपर से भाई ने हेलमेट भी नहीं पहना, खुदा ना खास्ता ठोक दिया मैंने जो होगा नहीं आज तक भगवान की दया से, किधर भी कोई भी व्हीकल टच नहीं किया, लेकिन समझ लो ऐसे विदाउट हॉर्न बजाए हुए आएगा, मैंने ठोक दिया, मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैंने तो मस्त हेलमेट पहना हुआ है, वो भाई का नुकसान हो जाएगा ना। और भाई ये पिलियन को हेड्स ऑफ है भाई, मतलब ऐसे शूट करना इजी नहीं है, मुझे तो क्या है, मुझे तो एक्टिवा चलाना है और सिर्फ बोलना है, उसको तो भाई पूरा ऐसे पकड़ के रखना है फ़ोन, और हाथ की तो क्या, और कमर की क्या बैंड बजती होगी, और एक मोमेंट एक टाइम पे ऐसा आता है, मतलब मैं बोले जाता हूँ, मतलब मेरा ऐसा है कि जो दिल में आता है मैं बोलता हूँ, वो पीछे से बोलता है भाई रुक जरा शांति रख कोई नहीं, आप लोग अगर और ज़्यादा सपोर्ट करोगे
तो एक ना एक दिन हमारे पास भी हो आएगा एक GoPro, और उससे अलावा एक से एक कॉन्टेंट निकालेगा एक्टिवा पे भी। ये मोटो ब्लॉग कैसा लगा ज़रा मुझे बताना, एंड नहीं कर रहा हूँ, रुको सुनो ज़रा, रुक जाओ, एंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सजेशन मांग रहा हूँ कि कैसा लगा वीडियो, मतलब मोटो ब्लॉगिंग ऐसे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मुझे ज़रा बताओ आप कमेंट सेक्शन में। ये देखो Zomato वाले हर टाइम गाय में रहते हैं भाई, इतना जल्दी रहते ना उनको, क्या बताओ। हाँ उसको छोड़ो, अपना ये मोटो ब्लॉगिंग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, इंस्टाग्राम पे DM करो, जो करना है करो, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि आपको कैसा लगा। आप मेरे व्यूअर्स हो और मुझे आपकी फिक्र है, इसलिए एक फ्री की सलाह देना चाहता हूँ कि आप कुछ भी राइड कर रहे हो या फिर कुछ भी ड्राइव कर रहे हो, एक्टिवा, बाइक, कार, XYZ कुछ भी, तो ज़रा आपका ईगो साइड में रख के ड्राइव करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है, और सामने वाला गलत आ रहा है, और मैं ईगो में रहूँगा कि नहीं भाई वो गलत आ रहा है तो उसके लिए मैं क्यों रुकूँ, और उसमें फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान हम लोग का होगा, उसका भी होगा, तो उससे अच्छा अगर वो नहीं रुक रहे तो हमको रुक जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी मैच्योरिटी वाइल्ड ड्राइविंग दिखानी चाहिए, ऐसे रुक जाना चाहिए, उसको जाने दो भाई, उसको ज़्यादा जल्दी है जाने की, ठीक है भाई तू चले जा, मैं आराम से चले जाऊँ, फिर एक्सीडेंट और वो सब हो जाता है, हमारे घर पे हमारे फैमिली मेम्बर्स प्यारे प्यारे वेट करते हैं, और फिर ऐसे सब न्यूज़ आती है तो पूरा मूड ऑफ हो जाता है, इसलिए थोड़ा ऐसा संभल के, ठीक है।